हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करें अपने 9th क्लास की इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना। 9th क्लास में आपके वार्षिक परीक्षा जो 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर, ठीक है। बिल्कुल 3 घंटे और 15 मिनट का समय रहेगा। 100 नंबर का आपके पेपर आएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होगा। बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर मिलेगा आपको, पूरा पेपर का जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रामेटिकल टॉपिक जितने भी हैं, किस टाइप के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पेपर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक सेक्शन होगा जो आपके होगा 20 नंबर का, समझते जाइएगा। पहला सेक्शन कितना? 20 नंबर का। इसमें दोनों अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जो पैसेज आपकी बुक में से नहीं है। दोनों ही पैसेज 10-10 मार्क्स के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पैसेज। पैसेज सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप पैसेज को पढ़ना करें शुरुआत शुरू से ही, ठीक है ना। क्वेश्चन पे जाके करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप शुरुआत करिए पैसेज को पढ़ना, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए से अपना पेपर स्टार्ट करते हैं तो टीचर पे इम्प्रेशन पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन बी जहाँ से एप्लीकेशन स्टोरी ये शुरू होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट किया इसका मतलब टीचर ये मानते हैं कि आप बेहतरीन स्टूडेंट है, क्योंकि आपकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है, ठीक है ना। तो हमेशा सेक्शन ए से ही अपना पेपर स्टार्ट करें। आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए उतना स्पेस छोड़ दें और बाद में कर लें, अटेम्प्ट कर लें टाइम निकाल के फिर दोबारा पढ़ के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन हु शोल्ड प्लांट्स ऑलवेज गेव स्पेशल इंस्ट्रक्शन व्हेन ही शोल्ड अ यंग ट्री और श्रब। एक आदमी जो प्लांट बेचा करता था ऑलवेज गेव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, हमेशा विशेष निर्देश देता था जब भी वो किसी प्लांट या श्रब यानी झाड़ी को बेचता। ही वुड वो क्या करता, ही वुड हैंड ईच कस्टमर अ स्मॉल बॉटल ऑफ लिक्विड। वो हर कस्टमर को एक लिक्विड की बॉटल दे देता। यू मस्ट टेक दिस ही सेड, वो कहता तुम्हें ये लेनी चाहिए, बिकॉज द ट्री विल ग्रो प्रॉपरली इफ यू गिव इट 2 ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर यू वाटर इट, डू नॉट फॉरगेट और द प्लांट विल डाई। वो आदमी बॉटल दे के क्या कहता कि इसे हमेशा पौधे में पानी पिलाने से पहले 2 बूंद डालें, ये भूलना मत, भूल गए तो पौधा क्या मर जाएगा, ऐसा वो बोलता था। ही ऑलवेज प्रोमिस्ड हिज कस्टमर्स दैट इफ दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड द प्लांट डाइड विद इन 6 मंथ्स ही वुड गिव देम अनदर ट्री। वो कहता कि प्लांट को ये हमेशा देना, अगर प्लांट अगर चला जाता है मुरझा जाता है ऐसा हो जाता है 6 मंथ में, तो वो उनको नया प्लांट देगा, मतलब एक नया पौधा देगा, ट्री देगा। वन डे आई सेड टू हिम, एक दिन मैंने उनसे कहा, मे आई आस्क यू व्हाट द मैजिक लिक्विड इज, मैंने पूछा कि ये मैजिक लिक्विड क्या है। इट मस्ट बी समथिंग वेरी स्पेशल, क्या ये बहुत ही समथिंग वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है। आई शैल टेल यू ही रिप्लाइड, उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताया? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इफ़ यू कैन कीप अ सीक्रेट, यदि तुम इस बात को सीक्रेट रखो, गुप्त रखो, इट इज़ जस्ट कलर्ड वाटर, ये सिर्फ एक कलर्ड वाटर है। आई लुक एट हिम इन सरप्राइज, मैंने उसके सामने सरप्राइज आश्चर्य से देखा। तो उसने कहा ही सैड येस इट मेक्स पीपल वाटर द प्लांट एवरी डे, इसकी वजह से लोग पौधों को रोज़ पानी पिलाएंगे, ठीक है ना, एंड अदरवाइज दे फॉरगेट, नहीं तो वो भूल जाते। एंड द ट्रिक हैड वर्कड, और ये उनकी ट्रिक काम कर गई। इन द ईयर्स ही हैड नॉट ही डिड नॉट रिप्लेस अ सिंगल ट्री, और उसने सालों तक तो कोई जो ट्री है रिप्लेस नहीं करना पड़ता, मतलब कोई भी प्लांट कभी मुरझाया नहीं, कभी मरा नहीं, क्योंकि 6 मंथ तक लोग ऐसे ड्रॉप डालते थे और पौधे को पानी पिलाते, तो उनकी हैबिट में हो गया, तो उसको कभी किसी प्लांट को या ट्री को रिप्लेस करना नहीं पड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि आपके 10 नंबर का पैसेज होगा। क्वेश्चन देखो, हाउ वॉज द लिक्विड टू बी यूज, लिक्विड को कैसे यूज़ करना था। तो आप कहेंगे क्या, ये पड़ा यहाँ पर ढूँढेंगे हम, हाँ, इट 2 ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर वाटर इट, कहने का मतलब हम बोलेंगे द लिक्विड टू बी यूज्ड
टू ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर वाटर एट, ठीक है ना, ये आंसर लिख देंगे हम इसमें। नेक्स्ट देखिए, वॉट सीक्रेट डिड द मैन रिवील, आदमी ने क्या सीक्रेट रिवील किया, तो आप कहोगे द सीक्रेट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है द मैन रिवील्ड, क्योंकि यहाँ डिड आया इसलिए हमने इसमें ई डी जोड़ दिया, रिवील्ड। द मैन रिवील्ड द सीक्रेट दैट इट वॉज जस्ट अ कलर्ड वाटर, ये सिर्फ कलर्ड वाटर था, कोई सीक्रेट मतलब नहीं था, कुछ ऐसा खास मैजिकल वाटर नहीं था, ये सीक्रेट था। अगला है, वैन डिड द मैन गेव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये आदमी कब, वैन यानी कब स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता था, तो आप कहोगे जब वैन ही सोल्ड अ यंग ट्री और प्लांट, जब भी वो एक प्लांट या ट्री को बेचता, श्रब को बेचता, देन द मैन गेव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डिड ही रिप्लेस अ सिंगल ट्री, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो आप येस और नो में आंसर देंगे, क्या उसने कभी सिंगल ट्री भी रिप्लेस किया, तो आप कहोगे नो ही डिड नॉट, क्या लिखेंगे, नो ही डिड नॉट रिप्लेस अ सिंगल ट्री, ठीक है ना, वन मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट देखिए, वॉट डिड मैन सेल, आदमी क्या बेचा करता था, तो हम कहेंगे आदमी क्या बेचा करता था, अ मैन सोल्ड प्लांट्स, वो क्या सोल्ड क्या करता था, प्लांट्स पौधे बेचता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज से वो वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब होता है अ पर्सन बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ शॉप, जो आदमी शॉप से खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर। नेक्स्ट देखिए, राइट अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड ढूंढने इनके, रिमेंबर, तो रिमेंबर का अभी हमने देखा, फगेट कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, ठीक है ना, रिमेंबर याद करना, फगेट ये पढ़ा, फगेट, ठीक है ना, भूलना। बिग, बिग का होगा स्मॉल, तो स्मॉल भी इसमें आया है, अभी पढ़ा हमने, तो स्मॉल भी आप ढूंढेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम, राइट सिनोनिम वर्ड, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, छिपे हुए के लिए एक और वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया, तो हम कहेंगे सीक्रेट आया था, ये पढ़ा सीक्रेट, ठीक है ना। फिर अमेज, अमेज यानी आश्चर्य, तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, सेम टू सेम हम कहेंगे सरप्राइज, क्या होगा, सरप्राइज, तो इसमें सरप्राइज भी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, तो आप इसमें से ढूंढ के क्या लिख देंगे, सरप्राइज। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पैसेज, ये आपके दो दो नंबर के थे क्वेश्चन, ठीक है, 10 मार्क्स का पहला कंप्लीट, अब आते हैं अगले 10 नंबर, इसके लिए पैसेज आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं सीधे क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं किस प्रकार यूजफुल होते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे आई हुई है ये लाइन, ठीक है ना, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पहले हमेशा पैसेज पढ़ लिया करो, ठीक है ना, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कहाँ आया हुआ है, मिल गया, ठीक है ना, क्या कि यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ से शुरू करेंगे, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, ये इतना लिखेंगे, जो अंडरलाइन वर्ड किया ना वहाँ से ही, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना, हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु व्हाट डू फॉरेस्ट प्रिवेंट, मतलब फॉरेस्ट वो किसको प्रिवेंट करते हैं, किससे बचाते हैं, प्रिवेंट करने यानी बचाना, किससे बचाते हैं, तो हम कहेंगे फॉरेस्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, ये आंसर हो जाएगा, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से मिलने वाले 5 प्रोडक्ट बताइए, तो 5 प्रोडक्ट क्या होंगे, दे आर हनी, वैक्स, गम, ऑयल, हर्ब्स, मतलब 5 लिखने अपने को, तो यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। कैन वी प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो इसका तो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको हमेशा आप येस नो में आंसर देते हैं, तो क्या पेपर प्लांट फॉरेस्ट के बिना, वुड के बिना पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नो,
वी कांट प्रोड्यूस या वी कैन नॉट प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। प्रोवाइड, तो प्रोवाइड का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा, तो इसमें अभी ढूंढते हैं हम। ठीक है ना, नहीं तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रोवाइड, प्रोवाइड का सेम मीनिंग वाला वर्ड। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड ढूंढ लेते हैं चलिए। ठीक है ना, तो ये वाइटल, वाइटल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना पैट, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। क्या अपोजिट, पैट यानी होता है पालतू, तो पालतू का क्या हो जाएगा, हमने अभी वाइल्ड एनिमल पढ़ा था ना कहीं, हाँ तो वाइल्ड होगा इसका, ये पढ़ा वाइल्ड यानी जंगली। ठीक है, इनक्रीज, तो इनक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। ठीक है ना, डिक्रीज या रिड्यूस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, रिड्यूस आया हुआ है इसमें, ये रिड्यूस दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, तो रिड्यूस बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये आप बहुत ही आसान है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हु डज द टर्म ग्रीन गोल्ड सिम्बलाइज, मतलब ग्रीन गोल्ड किसको बोला गया है, तो अपने पहली लाइन में आंसर पड़ा है फॉरेस्ट आर कोल्ड कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। सेक्शन बी में आते हैं, ये आपके 20 नंबर कंप्लीट। अब सेक्शन बी जो है वो है आपके 20 मार्क्स का, ये भी है। तो इसमें क्या है, देखिए आपको दो चीज़ें मिलेगी, जिसमें आपको एक लिखना होगा लेटर, ठीक है, और एक होगा आपके ईमेल। इन दोनों में से कोई एक काम करना, और वो होगा आपके 7 नंबर का। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा कि या तो आप लेटर करिए या ईमेल करिए, और होगा आपके 7 नंबर का। इसके वीडियो सेपरेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, अलग से वीडियो मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट आपके लेटर, ईमेल, ठीक है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सब के बारे में। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो होगा आपके, आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग वॉक यहाँ पे दिया, या तो ये करिए, या फिर आप बताइए कि डिबेट, डिबेट किसी टॉपिक पे करना, मतलब टीवी व्यूइंग इज़ हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टीवी किस प्रकार से हार्मफुल है उसके बारे में आपको बताना। ठीक है ना, ये भी आपके 7 नंबर कैरी करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई आपको एक करना, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपके 6 नंबर का, कितने, 6 मार्क्स का। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक तो, या तो आपको डायलॉग राइटिंग करिए आप, या आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। क्या, स्टोरी, या तो डायलॉग राइटिंग या स्टोरी, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो, जो आपको ईजी लगे, वो आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन होगा आपके 6 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम अपना जो सेक्शन सी है उसके बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, सेक्शन सी। ये आपके जो क्वेश्चन होंगे टेंसेस, ये पांचों क्वेश्चन टेंसेस के हैं, जो कि 5 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है ना, अगर आपने टेंसेस का वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल डिटेल में क्लियर है, यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, और वहाँ से एक बार पढ़ने के बाद आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, अब आपने कहा इसमें ध्यान रखिएगा, टेंस मीन्स टाइम, टाइम मीन्स कोई ना कोई ऐसा हिंट होगा जिससे टेंस का पता लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हिंट तो नहीं, लेकिन एक चीज़ पता लग गई, द सन है जो वेस्ट में क्या, अस्त होता है। तो हमने कहा ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो जब यूनिवर्सल फैक्ट होता तो प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना, तो आपने कहा द सन, क्योंकि सन सिंगुलर है तो यहाँ पे एस ई टी एस सेट्स आएगा। ठीक है ना, अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ एस नहीं लगाते। ठीक है ना, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ कर देंगे सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स एगो, जब भी आपको एगो वर्ड मिले तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट इन वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरनी है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड, ये जो डिस्कवर लिखा है इसमें ईडी जोड़ देंगे। ठीक है ना, डिस्कवर्ड। वी डैश मीट द टीचर नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक फ्यूचर सिंपल को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, आप टेंस देखते ही पहचान लोगे अगर आपने वीडियो देख रखा है तो। ठीक है ना, ध्यान रखिए, आई बटन पे वो क्लिक करते हैं आप उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, अभी बताया था मैंने। ठीक है ना, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़।
आई ऑलवेज डैश टेक, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूचर सिंपल आया, जब फ्यूचर सिंपल आता है तो शैल विल के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी है तो वी के साथ आप शैल या विल दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तो आप लिख दोगे विल मीट और फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, या शैल मीट लगाओ या विल मीट, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना, मीट जरूर आना है बस। आई ऑलवेज, आपने कहा अच्छा ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो ठीक है, क्योंकि आई प्लूरल मानते हैं, आई सिर्फ दो ही कंडीशन में सिंगुलर होता है, जब आई के साथ आपको एम लगाना हो और आई के साथ वॉज लगाना हो, बस बाकी आई हमेशा प्लूरल होता है, आई प्ले, आई हैव, ठीक है, आई डू, आई डज कभी नहीं होता, आई हैज़ कभी नहीं होता, आई प्लेज कभी नहीं होता, ठीक है ना, मतलब आई इन दो कंडीशन में ही सिंगुलर होगा, बाकी हर समय प्लूरल। आई ऑलवेज टेक का टेक सेम टू सेम आएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे हैड लेफ्ट आया, बिफोर, यहाँ पे बिफोर आया, ध्यान रखना बिफोर से पहले हमेशा हेड थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रीच्ड, RECHED रीच्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना है जिसमें आपको प्रॉपर वर्ब भरनी है, कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट कॉन्कर्ड उस टॉपिक का, ये है आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है ना, इसका वीडियो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए ब्रेड एंड बटर, ध्यान रखिए ये ब्रेड एंड बटर साथ में ही आता है, आप सोचोगे अच्छा एंड लगा हुआ दो हो गए, दो नहीं, ये सिंगुलरिटी को ही दिखाता है, तो यहाँ पे इज आएगा, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, पीछे एस लगने से प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही है, तो फिजिक्स इज, इसमें भी इज आएगा, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डैश इंग्लिश लर्न या लर्न्स, आपने कहा अच्छा ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, जब भी ऑफ का यूज हो तो ऑफ से पहले जो आपके नाउन आएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ये प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि लर्न सिंगुलर होता है, लर्न करेंगे, ठीक है ना, एस वाला सिंगुलर होती है वर्ब, ठीक है ना, तो लर्न, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर हरी और हिज ब्रदर्स, ध्यान रखिए इधर और, ये जब इधर और का यूज़ होता है ना तो उसके अंदर जो और लिखा हुआ इसके बाद जो वर्ड होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमेशा, तो हिज ब्रदर्स है तो हिज ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल मतलब हैव आएगा, ठीक है ना, इसमें हैव फिल कर देंगे। बोथ राम एंड श्याम, आपने कहा अच्छा दोनों की बात हो रही है, जब दोनों की बात हो रही है तो आर आएगा, ठीक है ना, बोथ राम एंड श्याम आर टीचर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने सूटेबल डिटरमिनर्स भरना है, तो अगर आपने डिटरमिनर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप उस प्लेलिस्ट में चले जाओगे और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए, आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस नहीं है, ठीक है ना। देखिए आई हैव डैश फ्रेंड, मेरे डैश फ्रेंड है, नो या सम, तो आपने कहा अगर सम लगाएं तो यहाँ फ्रेंड्स होना चाहिए था, आई हैव सम फ्रेंड्स मतलब कुछ, सम यानी कुछ और पॉजिटिव में, ठीक है ना, आप देखिएगा उसमें सम के यूजेज में, तो यहाँ पे आएगा नो, आई हैव नो फ्रेंड, ठीक है ना, मेरे कोई दोस्त नहीं है। डैश मनी इज बेटर देन नन, डैश मनी, मनी आपने कहा अनकाउंटेबल है मतलब इसको गिन नहीं सकते, मतलब लिटिल तो आना ही है, ठीक है, अब लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा ये पता करना, मतलब लिटिल तो फिक्स हो चुका था लेकिन अ लिटिल या द लिटिल वो चुनते हैं। आपने कहा मनी इज बेटर देन नन मतलब कुछ नहीं से, इसका मतलब लिटिल आएगा, मतलब ना पैसा होने से तो अच्छा है कुछ हो, ठीक है ना। हैव यू डैश वर्क विद मी, आपने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन सम जो होता है ना, सम आता है हमेशा आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इसके और भी रूल है कि ये इनविटेशन में भी आता है और ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे हैव यू एनी वर्क विद मी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, तो यहाँ पे एनी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द लाइब्रेरियन हैड इश्यूड डैश बुक्स ऑन ग्रामर ही हैड, आपने कहा ठीक है लाइब्रेरियन ने ग्रामर बुक इशू कर दी ऑन ग्रामर टॉपिक पे, ही हैड मतलब जितनी उसके पास थी ना सारी उसने दे दी, आपने कहा बुक्स है इसका मतलब फ्यू का यूज होना, लिटिल कब, जब यहाँ पे अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, किताबें गिनी जा सकती है मतलब फ्यू आना है, फ्यू में भी कौन सा
ही हैड, मतलब उसके पास जितनी थी ना वो सारी दे दी, तो द फ्यू, ठीक है ना, द फ्यू। फिर देखिए लक्ष्य इज डैश ऑनेस्ट मैन, लक्ष्य क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है। तो आपने कहा अच्छा ऑनेस्ट, तो आपने कहा ऑनेस्ट का साउंड आ रहा है ओ, तो ये कौन सा साउंड हुआ, आपने कहा वोवल साउंड हुआ, तो वोवल के लिए एन लगाते हैं, ठीक है ना, तो एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। अगला देखिए प्रिपोजिशन, ठीक है, ये भी वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं ताकि इनमें कोई आपके मिस्टेक होने का चांस नहीं। पहला देखिए आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस, तो यहाँ हम करेंगे क्या फॉर, ठीक है ना, क्या आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ फॉर हर सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए। देयर इज़ अ पार्क द टेम्पल, पार्क वहाँ पे एक पार्क है, द टेम्पल फ्रॉम द टेम्पल या बिहाइंड द टेम्पल, तो आप कहोगे बिहाइंड द टेम्पल, मतलब टेम्पल के पीछे एक पार्क है। ही जम्प्ड द रिवर, उसने जंप किया इन द रिवर या इन टू द रिवर, तो आप कहोगे क्योंकि वो पहले बार था, उसकी मूविंग पोजीशन है, मतलब ये मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है ना, ये तालाब है, अब इसके अंदर बाहर खड़ा आदमी अंदर जंप किया है, तो इसका मूविंग पोजीशन होगी, जब भी ऐसा होता था हम इन टू लगाते, तो इसमें आएगा इन टू, ठीक है ना। फिर देखिए ही इज़ नॉट अफ्रेड, वो भयभीत नहीं होता डॉग्स, तो आप कहोगे ऑफ डॉग्स, ठीक है ना, अफ्रेड ऑफ का सेंस होता है, ठीक है ना, तो अफ्रेड ऑफ करेंगे, क्यों होता है ये प्रीपोजिशन वाला, आप वीडियो देखिएगा वहाँ आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज फाइव सन्स बिटवीन या अमंग, आपने कहा दोनों का मतलब बीच में होता है, लेकिन बिटवीन आता है ओनली दो के लिए, ठीक है, अमंग आता है मोर देन टू, क्या मोर देन टू, कहने का मतलब दो से जब भी ज़्यादा हो, तो यहाँ बेटे कितने पाँच है ना, तो यहाँ अमंग यूज़ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन है अपना डी, इसमें किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे देखिए, क्यों, क्योंकि ये भी आपके 10 नंबर का पैसेज आना है, पहला पैसेज 10 नंबर का है, फिर 10 मार्क्स के बाद आपके छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, मैं थोड़ा फटाफट से करवाता हूँ, ठीक है, ये आपके बुक से होगा, ठीक है ना, तो बुक से होगा तो बहुत ईजी है, किस टाइप से करेंगे देखिए, कि ये तो अपने बुक से हैं इसलिए पढ़ा हुआ है सबके, ठीक है ना। इन वॉट टाइप ऑफ कलाम फैमिली वॉज कलाम बोर्न, कलाम का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, तो आप कहोगे ही वॉज बोर्न, यहाँ आई की जगह क्या कर देंगे आप, ही वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ठीक है ना, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, आपको पूरी लाइन लिखने नहीं बैठ जाना है, ठीक है ना। अगला देखिए वैन वॉज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, इनका एंसेस्ट्रल हाउस कब बना था, तो हमने कितनी बार पढ़ा था कि ये 19th सेंचुरी के शुरुआत में बना था, ठीक है ना, तो लिखोगे द हाउस वॉज बिल्ट बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये आंसर मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वॉट वर द डिसएडवांटेजेस टू कलाम्स फादर, कलाम्स फादर के क्या डिसएडवांटेज थे, तो डिसएडवांटेज क्या थे कि ही हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना ही उनके पास ज़्यादा धन था, ये उनकी डिसएडवांटेज थी उनके पिताजी की। वॉट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर, कलाम के पिता की क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी थी कि ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ वॉज कलाम्स कलाम्स मदर सोशल लेडी, वो किस प्रकार से सोशल लेडी थी, तो हम जानते हैं सी वॉज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर, और क्या कह सकते हैं, सी फेड मैनी पीपल एवरी डे, सी फेड मैनी पीपल एवरी डे, मतलब बहुत से लोगों को खाना भी खिलाती थी, ये था। आई वुड से टू वोम डज आई रेफर आई हियर रेफर टू, यहाँ पे आई किसके लिए आया है, तो आप कहोगे आई आया है आई वुड से माइन, मतलब ये आई आया है अब्दुल कलाम के लिए, ठीक है ना, तो लिखोगे आई रेफर्स हियर टू अब्दुल कलाम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा आपसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिसका मतलब होता है इन बोर्न, इन बोर्न यानी होता है जन्म जात, तो ऐसा कौन सा वर्ड आया, तो आप कहोगे एक वर्ड आया आपने जिसको हम कहते हैं इन नेट, इन नेट का मतलब भी होता है जन्म जाति, ये रहा वो वर्ड, ठीक है ना, इन नेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
अ प्लेस वेयर सराउंडेड, अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ आइलैंड, ये तो जानते हैं, इसमें वर्ड आया हुआ ध्यान रखिएगा, इसमें आया हुआ हो वही वर्ड ढूंढना है, तो हमने अभी पढ़ा था आइलैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट वर्ड ढूंढना है, डिस्कम्फर्ट का कम्फर्ट हो जाएगा, अगली का ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से ये रहेगा। फिर अपने क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 11th क्वेश्चन जो है ना, आपको एनी टू मतलब कोई दो प्रश्न करने हैं इन चारों में से, और एक प्रश्न आपके 2.5 नंबर का होगा, और टोटल 5 नंबर के, ठीक है ना। ये अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे इन सब के आंसर बड़े शानदार ढंग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट है कि आपको दो बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, इनका तो 30 वर्ड्स में आंसर देना, इनका देना 60 वर्ड में, ठीक है, इन दो में से कोई एक आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, जो कि 5 मार्क्स का होगा, चाहे इन दोनों में से कोई भी आप करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक स्टेंजा मिलेगा, जिस पोइम में से आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये भी आपको 4 मार्क्स कैरी करता है, कहने का मतलब आपको पोइम से अगर पढ़ लेंगे राइटर के बारे में, राइटर क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये 4 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई दोनों में से कोई एक आपको करना है। फिर नेक्स्ट आपको फिर से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और दोनों ही 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। जैसे ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। फिर आपको एक क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जो अपनी सेकेंड बुक होगी उससे मिलेगा, और उन दोनों में से कोई आपको, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, और लास्ट में आपको शॉर्ट में आंसर देना है, कोई 2 करने होते हैं, इन 4 क्वेश्चन में से कोई 2 करने हैं, हर क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका ये पेपर रहेगा, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है ना। एक जो सवाल आपसे पूछा है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, और जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।